जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम शो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मत करो बस एक काम करो। ये विषय इसलिए मैंने आपके लिए बनाना ज़रूरी समझा कि बहुत से जातक पूछते हैं कि पंडित जी हम ये नहीं कर पाएंगे, वो उपाय नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। एक छोटा सा शॉर्टकट हमें बताएं, क्योंकि हम भारतीय हर चीज़ में शॉर्टकट चाहते हैं। तो पहली और मुख्य बात कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे आप। उसी कड़ी में हम बात करते हैं अब इस वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, आप ना कोई उपास कर पाते हैं या ना कोई बड़ा इवेंट हम कर पाते हैं, मतलब कोई बड़ा यज्ञ कर पाए या कोई बड़ी पूजा विधान हम कर पाए, ये हर व्यक्ति से संभव नहीं है। बहुत से लोगों को वक्त की कमी है, बहुत से लोगों के पास धन की कमी, और बहुत से लोगों को इन चीज़ों का समझ नहीं है। मतलब समझ से आशय है कि वो इन चीज़ों पर विश्वास करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, और कई सारी बातें वो इनके दरमियान होती है। तो ये बिल्कुल जो सही और खुली बात है वही मैं आपके बीच रखता हूँ, कोई भी छुपाने वाली बात मेरे पास नहीं है दोस्तों। जो ओपनली बात है वही मैं आपके सामने रखूँगा। अब मान लीजिए आप उपास नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप कोई यज्ञ पूजा हवन बड़ा नहीं करवा पाते, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से, आपको विश्वास हो या ना हो, ये भी कंडीशन है आपके पास होगी। अब उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम कुछ थोड़ा बहुत करते रहें तो उससे हमारा फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, आप जिन भी इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई गणपति जी को मानता है, कोई माँ संतोषी को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई बालाजी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, कम से कम 101 बार 100 बार तो उन देवी देवताओं का जो भी मंत्र है उसका जाप आप करेंगे। पहली बात ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसे जाप करने का जो सही तरीका है ना, उस पर आप थोड़ा गौर अगर फरमाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहली बात, अगर आपको कितना भी प्रेशर हो, दिमाग पर लोड हो, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, ये जितनी बातें हैं, इन बातों को साइड में रख ले। पहले इन बातों को आप साइड में रख ले। साइड में रखने से मतलब है इन बातों का दिमाग पर कोई प्रेशर होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय केवल और केवल वो समय है जिंदगी का, 24 घंटे में से केवल 2 मिनट या 5 मिनट उस ईश्वर के लिए रहेंगे, जिन पर केवल और केवल ईश्वर का अधिकार रहेगा, उसके नाम लेने का अधिकार हमें रहेगा। बस आप अपनी जितनी परेशानी उनको सिर्फ भूल जाइएगा, कोशिश करिएगा। मैं जानता हूँ 15 दिन तो आपको उसमें भूलने में की कोशिश न कर पाएंगे आप, लेकिन 15 से 16वें दिन जब आप उस कंडीशन में पहुँचेंगे ना, तो आपका जो जाप करने का टाइमिंग है या ईश्वर का नाम लेने का टाइमिंग है वो बढ़ता जाएगा। 5 मिनट से 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, और आप 20-20 मिनट तक, 30-30 मिनट तक आपको आनंद आने लग जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कह रहा हूँ। तो धीरे धीरे प्रयास करें, हमेशा मुंह धोना, आँख धोकर और ठंडे जल से मुंह हाथ धोकर उसके बाद ये प्रयास करें तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। योगा करें, प्राणायाम करें, ये सभी चीज़ें अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी रहती है और बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, केवल आपको यही काम करना है, अपने इष्ट का 5 मिनट सोते हुए भी, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठिए उठिए कुछ नहीं, तो ठंडे पानी से अपने मुंह हाथ धो लीजिएगा, और वो इच्छा है तो धो लीजिएगा, या नहीं भी हो तो लेटे हुए सोए हुए सिर्फ 5 मिनट पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उस ईश्वर में लीन होकर देखिए। सिर्फ 5 मिनट, शुरुआत 2 मिनट से करें, 1 मिनट से करें, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात आपसे मैंने शेयर की है। अगर दोस्तों आप ये करते हैं, आपके जो भी अनुभव हो वो ज़रूर शेयर हमसे करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको ऐसे सरल और सहज उपाय मिलते रहे। तो कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री